Hi there, welcome or welcome back to my channel. So if you are new here, my name is Kusum and I do artwork in different mediums. So अगर आपको भी portraits draw करना पसंद है तो ये video आपके लिए है, और अगर आप और other artworks देखना चाहते हैं तो आप मेरे channel को check out कर सकते हैं. And please do subscribe and press the bell icon for new video updates. So without wasting time, let's get started. पोर्ट्रेट ड्रॉ करते वक्त मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरी जो आउटलाइन है वो अच्छी हो, और उसमें मैं हो सके जहाँ तक अपनी जो भी ये सारी प्लेसमेंट्स अच्छी करूँ, जैसे कि उसके हेयर्स के स्ट्रिंग्स और उनकी शेप, डायरेक्शन, आईज़, नोज, लिप्स, उनकी जो प्लेसमेंट है वो सही से करूँ. मुझे आईज़ से अपनी ड्राइंग स्टार्ट करना पसंद है, बिकॉज़ आईज़ से ही मेरी ड्राइंग में जान आती है. तो इस वजह से मैं हमेशा आईज़ से ही अपनी ड्राइंग्स स्टार्ट करती हूँ, और मुझे आईज़ ड्रॉ करना भी बहुत पसंद है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिर्फ आईज़ ड्रॉ की है बट फिर भी ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है. तो इसी वजह से मुझे आईज़ ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मैं यहाँ पे धीरे धीरे डार्क एरियाज़ को ऑब्ज़र्व करके वहाँ पर शेड करती जा रही हूँ, और जो भी लाइट एरियाज़ है मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूँगी अभी, और बाद में उन्हें लाइट प्रेशर से उन्हें भी ड्रॉ कर लूँगी. पोर्ट्रेट ड्राइंग को अच्छी बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिफरेंट फेस एंगल वाले इमेजेस चूज़ करें और उन्हें अपनी प्रैक्टिस में लाएं, ताकि हमें उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे और हम हर एक डायरेक्शन से पोर्ट्रेट्स को अच्छे से स्टडी कर पाएँ. Thank you.
अगर आप भी मेरी तरह मैकेनिकल पेंसिल से स्मूथ शेडिंग करना चाहते हैं तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सीक्रेट टिप नंबर 2 शेयर की है, जिसमें मैंने बताया कि आप मैकेनिकल पेंसिल से स्मूथ शेडिंग कैसे कर सकते हैं। आर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं वो वीडियोस लेकर आ पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ड्राइंग्स भी पसंद आई हो, तो उनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।